जैन साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को डी न्यूज परिवार की ओर से नए साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, पहले हम एक कवि द्वारा साल 2020 को लेकर लिखी गई कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। चला ही गया मैं साल 2020 हूँ, क्षमा करना नफरत स्वाभाविक है, छीना जो बहुत कुछ है। बच्चों से पिता का साया, भाई से बहन का प्यार, किसी की मांग का सिंदूर तो माँ बाप से उनका दुलारा। न जाने कितने रिश्तों से कितने रिश्तों को, कारोबार ऐसो आराम सुख चैन, जनाब फेरिस्त बड़ी लंबी है मुझ पर लगे आरोपों की, क्रोध है नाराजगी है, इच्छा सभी की थी सभी को इंतजार था, कब जाओगे तुम साल 2020, कब आओगे साल 2021, अब आएगी चैन की नींद क्योंकि आ ही गया साल 2021, मैं चला ही गया मैं हूं साल 2020। दोस्त खूब है मुझ पर लोगों के, लेकिन कभी यह भी याद कर लेना लौटाया भी मैंने बहुत कुछ है। नदियों को साफ पानी, पेड़ों को हरियाली, पहाड़ों को झरने, बेघर पशु पक्षियों को उनका घर, धड़कनों को सांसें, जीवन को अर्थ, रिश्तों को प्यार, बागों में फूलों की बाहर, सर्दी को बर्फ, गर्मी को ठंडी हवाएं, सूखे को बरसात, जिंदगी को मौसमी सौगात। याद रखना हर हार के बाद जीत है। मैं तो चला ही गया मैं साल 2020। जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, दुखों को नहीं खुशियों को याद रखना, दुखों को नहीं खुशियों को याद रखना, मिली है जो सीख उसे संभाल रखना, मिली है जो सीख उसे संभाल रखना, प्रकृति से अब और मत खेलना, संसार सबका है याद रखना, ज्यादा नहीं थोड़े की जरूरत, लालच भरी जिंदगी की बदलनी होगी सूरत, आप सभी के लिए खुशियों से भरा हो साल 2021। मैं तो चला ही गया मैं साल 2020। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को एक बार फिर से नए साल 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, किसी कवि ने इन पंक्तियों में पूरे साल का निचोड़ प्रस्तुत कर दिया, वाकई में ऐसा ही था साल 2020। हम अक्सर दूसरों में बुराई, उनके दोष, उनकी गलतियों को ढूंढते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों को कभी नहीं देखते। यही जग की रीत है, यही हम लोगों की सोच बन गई है। साल 2020 को लेकर शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो जिसने भला बुरा नहीं कहा हो, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोगों ने ही सोचा होगा कि प्रकृति ने साल 2020 में जो महाप्रलय के संकेत दिए हैं उसकी एक तस्वीर, एक ट्रेलर हमें दिखाया है, उसके पीछे की असली वजह क्या है, क्यों यह सब हुआ, क्या साल 2020 ही इसके लिए जिम्मेदार था? नहीं, आपको उस चीज पर भी सोचना होगा। हर कोई अपनी गलती, अपने दोष, प्रकृति के साथ खिलवाड़, अपने पाप कर्मों के लिए साल 2020 पर इस कदर आरोप लगाते रहे कि यदि किसी अदालत में सुनवाई होने लगे तो फैसला यह आएगा कि साल 2020 जब जब जन्म ले उसे जन्म लेते ही फांसी पर लटका दो। भाइयों, कोई साल अच्छा बुरा नहीं होता, सब प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है और हमारे कर्मों पर आधारित है। मानता हूं साल 2020 में काफी घटनाएं हुई, लेकिन उसके दूसरी ओर देखिए, कुछ अच्छे बदलाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अच्छाई पर गौर करना हमारी फितरत ही नहीं है जनाब, अच्छाई पर कोई गौर करता ही नहीं है। साथियों, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन नए साल की शुरुआत पर मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो हासिल नहीं हो सका, जो हमें अभी तक नहीं मिल सका, उसका मलाल ना करें, उसे भूल जाओ, अब तय करो, अभी तय करो आपकी मंजिल कहाँ है, आपको जाना कहाँ है, आप करना क्या चाहते हैं, पहले यह तय करो
अभी तय करो, फिर उस सफर के बारे में सोचो, कागज पहन लो, दिमाग में ही रास्ते तलाशने शुरू करो। कैसे पहुंचोगे उस मंजिल तक, कितनी परेशानियां आने वाली है इस सफर में। और जिन साथियों ने मंजिल तो तय की हुई है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं, कभी थोड़ा ही चल पाते हैं तो कभी मंजिल से थोड़ा ही रह जाते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे, मंजिल को पा नहीं पा रहे, ऐसे लोग दूसरे लोगों से कहते हुए मिल जाते हैं, मेरी क्या कमी रह रही है, मैं बार बार क्यों रह जाता हूं, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल पा रही। मैं ऐसे उन तमाम साथियों से, सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, साथियों इस सवाल का जवाब अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ तुम हो। इस सवाल का जवाब आपसे अच्छा कोई दूसरा नहीं जानता। आपको पता है कि आप अभी तक क्या गलती कर रहे हैं, कहां अपनी तैयारियों में कमी छोड़ रहे हैं। आप जब इन सभी चीजों को लेकर सोच विचार करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं साथियों, आपको पता है आपकी गलती कहां रही है, आपकी कमी कहां रही है, और आप फेल क्यों हो रहे हैं। आप फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप इन गलतियों को सुधारने में असफल हैं, आप इन गलतियों को सुधार नहीं पा रहे हैं। और जब तक आप इन गलतियों को नहीं सुधार लेते तब तक आप उस मंजिल को नहीं पा सकते। इसलिए मेरे साथियों, आज और अभी एक दृढ़ संकल्प करें, कुछ भी हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, लोग कुछ भी कहें, मुझे तो इस बार इस लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना है। कुछ भी हो जाए, मुझे तो इस मुकाम को हर हाल में पाना है। और भाइयों, मैं भी तो संघर्ष ही कर रहा हूं, आप देखते भी हो, देश भर में पहुंचकर सेना भर्तियों का कवरेज करना मेरे लिए किसी परेशानी से कम नहीं है। कहीं एंट्री मिल जाती है तो कहीं पर मीडिया को अलाउ नहीं करते हैं। अभी आपने देखा था कि हम पंजाब के लुधियाना में गए थे, वहां पर खन्ना में सेना भर्ती थी, लेकिन वहां मीडिया को अलाउ नहीं किया, मीडिया की एंट्री नहीं थी। तो क्या मैं वहां से आने के बाद में यह हिम्मत हारकर बैठ जाऊं कि इतनी दूर गया, 3 दिन परेशान रहा और वहां एंट्री ही नहीं मिली, तो क्या मैं अब आगे से कहीं भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं यही सोचकर बैठ जाऊं तो मैं आगे नहीं जा सकता, लेकिन नहीं, इसके ठीक 10-12 दिन बाद ही मैं उत्तराखंड गया। उत्तराखंड आप कोटद्वार से आपको हर रोज सेना भर्ती का पल पल लाइव अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर मैं वहां हिम्मत हार के बैठ जाऊं तो क्या मैं यहां कोटद्वार से आपको सेना भर्ती का लाइव कवरेज दिखा पाता, नहीं। साथियों, सफलता से पहले हमें संघर्ष परेशानियों का मुकाबला करना होता है, और परेशानियां बुरी नहीं होती, यह तो ये देखती है कि जिस सफलता को पाने के लिए कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है क्या वह उसके लायक है भी या नहीं। और अगर आप हार मान गए तो आप वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर भी यह संघर्ष, ये परेशानियां आपको जीवन में बहुत कुछ सीख दे जाती हैं, जो हो सकता है आपको उस मंजिल से भी आगे ले जाएं जो आपने सोच रखा है। इसलिए साथियों, जो भी आपकी मंजिल है उसके बारे में एक बार फिर से सोच विचार करें और उस तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करें। संघर्षों के सामने घुटने मत टेकना, हार मत हानना, बहाने मत बनाना, क्योंकि बहाने बनाने का मतलब है कि आप हार गए, और बहाने वही लोग बनाते हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए लोग बहाने बनाते हैं। इसलिए आपको बहाने नहीं बनाने, आपको तो अपनी मंजिल को हासिल करना है। साल 2020 चला गया और साल 2021 आ गया, क्या लेकर आया क्या देकर गया, यह तो चलता रहेगा। आप 2021 से क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे इस साल को यादगार बना सकते हैं, साथियों यह तो सिर्फ
आप पर ही निर्भर करता है। अगर आपने जो गलती साल 2020 में की है, आप उसी गलती को 2021 में दोहरा रहे हैं, तो साथियों मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि साल 2021 ही क्या, कोई भी साल आ जाए, वह आपको कुछ नहीं देने वाला, जब तक कि कुछ पाने के लिए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। साथियों आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। और आखिर में सेना भर्ती की तैयारी करने वाले उन तमाम युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप तैयारियों में जुट जाएं। जल्द ही आप सभी की सेना भर्ती रैली शुरू होने वाली है। और एक जरूरी बात यह भी है कि युवा सिर्फ दौड़ तक ही सीमित रहते हैं, यानी वो सिर्फ दौड़ की ही तैयारी करते हैं, नॉर्मल चेस्ट, फुलाप या बीम लगाने आदि की तैयारी पर ध्यान नहीं देते हैं। और उसका परिणाम यह होता है कि जब आप दौड़ पास करने के बाद इन प्रक्रियाओं से गुजर रहे होते हैं, आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है, आपको बीम लगानी होती है, तब आप इन प्रक्रियाओं में आकर असफल हो जाते हैं, आपको बाहर कर दिया जाता है। साथियों इस वक्त इतना दुख होता है कि जब आप दौड़ पास कर लेते हैं, आप फर्स्ट ग्रुप में दौड़ पास कर रहे हैं और आपको सिर्फ बीम ना लगाने की वजह से आउट किया जा रहा है, आप 6 बीम नहीं लगा पा रहे हैं, आप चेस्ट में फेल हो रहे हैं, तो सोचिए साथियों कितना दुख होता है उस वक्त। क्योंकि अगर सेना भर्ती में सबसे कठिन प्रक्रिया है तो वो है 1600 मीटर दौड़ पास करना। जो बंदा दौड़ पास कर लेता है वो समझो सेना भर्ती का आधा सफर तय कर लेता है। और इसके बाद आप बीम, चेस्ट, इन प्रक्रियाओं में बाहर हो जाते हैं। तो साथियों यह सोचने वाली बात है, आपको तैयारी उस तरह से करनी होगी कि किसी भी स्टेज में जाकर आप फेल ना हो, तभी आपका सेना में जाने का सपना पूरा हो पाएगा। इसलिए मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी कोर्ट द्वारा सेना भर्ती चल रही है और मैंने इसमें देखा है अधिकतर युवा चेस्ट में बाहर हो रहे हैं, युवा 6 बीम नहीं लगा पाते, किसी से चेस्ट का फुलाव नहीं हो पा रहा है, इस कारण से वो बाहर हो रहे हैं। ये थोड़ी सी तैयारी करनी होती है इस चीज के लिए आपको। जब आप दौड़ पास करने के लिए इतनी तैयारी कर लेते हैं तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आप इन तैयारियों पर भी ध्यान दें, तभी आपका सेना में जाने का सपना पूरा हो पाएगा। तो चलिए साथियों फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।